हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम अध्ययन करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन के बारे में। वर्कशॉप कैलकुलेशन में का सिलेबस क्या क्या होता है, उसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस है हमारा, उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में पहला टॉपिक आता है यूनिट तो एक आई है। यूनिट में क्या क्या आता है, सिस्टम की यूनिट क्या क्या होती है, किसकी यूनिट क्या होती है, जैसे कि बल की इकाई क्या होती है, किसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का, समय का और तापमान का मात्रक, इनके बारे में हम इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये उसके बाद आता है सेकेंड चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब सामान्य गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है, फ्रिक्शन घर्षण क्या होता है इनके बारे में, और LCM, SCF, डिवीजन मेथड इनके बारे में, सिंपल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर आता है कन्वर्टर एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल टू वाइस, इसमें हम कन्वर्जेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर है रेशियो एंड प्रोविजन, रेशियो मतलब अनुपात और समानुपात। चौथा चैप्टर, पाँचवा चैप्टर आता है परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। उसके बाद आता है ये पाँच चैप्टर आते हैं इसमें। उसके बाद चलिए हम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस भी देख लेते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आता है बेसिक एलजेब्रा, एलजेब्रा में एडिशनल, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, एल्गोरिथमिक फॉर्मूला, लाइनर इक्वेशन विद वैल्यूज। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, एरिया एंड पैरामीटर स्क्वायर, ये सिंपली आती है, ज़्यादा हार्डली नहीं आती है। इसमें एरिया आता है, बीज गणित आता है जिसमें ज्यामिति, त्रिकोणमिति इस प्रकार से, इसमें वॉल्यूम, ज्यामिति, सिलेंडर का, बेलन का, इसके एरिया वाइज रिलेटेड सब आते हैं। थर्ड चैप्टर आता है इसमें, थर्ड चैप्टर आता है अपना बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के बारे में, विद्युत के बारे में जानकारी प्राप्त करें। विद्युत में आता है कि जैसे विद्युत का इंट्रोडक्शन, एसी डीसी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, कंडक्टर, इंसुलेटर, सीरीज करेगा इनके कनेक्शन, सीरीज में जैसे कि क्वेश्चन से दिया जाता है कि सीरीज में इतने बल्ब को जोड़ने पर इनका प्रतिरोध, इनको जानकारी हम इस सेकंड सेमेस्टर में प्राप्त करते हैं। चलिए हम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस भी इसी में देख लेते हैं। चलिए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस भी हम इसी में देख सकते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट डीजीटी या एनसीबीटी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वही हम पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आता है, इसमें फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, मतलब ये जो ट्रेड दी गई है इन ट्रेडों में ये सिलेबस होता है। चलिए अपना तो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से जो ट्रेड है उनके लिए ये सिलेबस होता है। जो अपने इलेक्ट्रीशियन, मेनली इलेक्ट्रीशियन पर फोकस करते हैं, इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट चैप्टर आता है इंट्रोड्यूस लो ऑफ इंडिकेटर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, था सेकेंड चैप्टर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर में जानकारी मिलती है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आता है एसी सर्किट, मतलब सर्किट के बारे में से रिलेटेड वर्कशॉप कैलकुलेशन करनी है, पावर से एलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट उनके बारे में। थर्ड चैप्टर आता है एसी वोको, मतलब एसी तरंग दुष्टकारी, तरंग दुष्टकारी। दूसरा फोर्थ चैप्टर आता है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड, मतलब विद्युतीय सीरीज श्रेणी और समांतर में कनेक्शन करना, सर्किट सीरीज पैरेलल में मतलब समांतर और श्रेणी में प्रतिरोध ज्ञात करना, उसे कैलकुलेशन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, मतलब श्रेणी और समांतर में कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन आंसर हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस भी इसी प्रकार है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिकल कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए सिलेबस है। आपको इस सिलेबस की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा प्राप्त किया जा सकती है। इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का PDF लिंक पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद हम चलिए ये हमारे इसमें इनमें ट्रेड में है, इनमें हमने अगली ट्रेड देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, लाइट उपकरण, मैकेनिकल, मैकेनिक के लिए सिलेबस आता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर आता है न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आता है डेसिमल एंड बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे कि डेसिमल क्या होती है, ऑक्टा डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। इसके बाद आता है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, सिंपल एस्टिमेटेड ऑफ द रिक्वायरमेंट और मेंटेनेंस, इनमें ट्रेड्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आप फ्यूचर में, मतलब
मेजरमेंट कैसे करते हैं इनमें, इसके बारे में ग्राफ वगैरह में हम थर्ड चैप्टर सेकेंड चैप्टर में थर्ड होता है सिंपल एंड प्रॉफिट लॉस, मतलब साधारण तर प्रॉब्लम होती है प्रॉफिट लाभ और हानि में, और सिंपल एंड कंपाउंड इसमें आता है। इसके बाद लो फ्रिक्शन मतलब घर्षण के नियम आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स लाइक प्रेशर एटम परमाणु के बारे में हमने, बल रिलीज सॉल्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स पर वेक्टर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट सी जी एल डिफरेंस लेनिया नेचुरल लॉ पैरेलोग्राम फोर्स ट्रेंगुलर लॉ लैम्बी थ्योरम एंड अनस्टेबल नेचुरल इक्विपमेंट्स के बारे में हम फोर्थ सेमेस्टर में चर्चा करते हैं। एक साइड पर हमें कैलकुलेशन का सिलेबस दिया हुआ है, दूसरी साइड हमें साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। इसी प्रकार हमारे पहले के ऊपर भी एक साइड साइंस का सिलेबस था और एक साइड कैलकुलेशन का, हमने कैलकुलेशन का डिस्कस कर लिया था और साइंस का डिस्कशन करना भूल गए थे। तो थर्ड सेमेस्टर में साइंस का सिलेबस होता है इलेक्ट्रिसिटी घर्षण स्ट्रेस मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक लिमिट होप का नियम यंग मॉड्यूलस यंग का मेंडल्स इंडक्शन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यूज ऑफ कंडेंसेटर मटेरियल मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मिनरल्स मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स प्ले प्रेशर दाब दाब के नियम दाब के मात्रक बार होता है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस कंप्लीट हुए। आपको अधिक जानकारी के अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आगे आपके लिए जो भी वीडियो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो हम उसके कोशिश करेंगे कि आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।